मुख्यमंत्री अशोक गहलोत फलौदी दौरे पर रहे, जहां उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी वैभव गहलोत के समर्थन में आयोजित एक जनसभा को संबोधित किया। कांग्रेस के समर्थन आयोजित जनसभा में कांग्रेस के दिग्गजों का मेला दिखाई दिया और जिसके चलते फलौदी में कई नेता, मंत्री और विधायक एक ही मंच पर नजर आए। अपने संबोधन में प्रदेश के मुख्यमंत्री गहलोत ने मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि गहलोत अपने बेटे के लिए दौड़ रहे हैं। गहलोत ने कहा कि मोदी जी, मैं अपने बेटे के लिए नहीं दौड़ूंगा तो किसके लिए दौड़ूंगा। मुख्यमंत्री ने मोदी पर चुटकी लेते हुए कहा कि मोदी जी के तो बेटा ही नहीं है तो वो किसके लिए दौड़ेंगे। माली समाज के लोग, अपील करूंगा कि फलौदी की जनता ने हमेशा रिकॉर्ड तोड़ आशीर्वाद दिया है। मुझे याद है एक बार में 40,000 मतों से आपने मुझे कामयाब किया था। 40,000 मतों से इंदिरा जी भी शहीद हो गई थी। आप सब लोग हमेशा जुड़े रहे इंदिरा जी के साथ में, राजीव गांधी के साथ में। हमने भी कोई कमी नहीं रखी पूरे राजस्थान अकाल में, सूखे में। सोनिया गांधी आई जगह पर, राहुल गांधी दौरे चल रहे हैं और जो मैनिफेस्टो आया है केंद्र का, उसमें राहुल गांधी जी ने गरीबी हटाने के लिए प्रत्येक गरीब परिवार के महिला जो उस परिवार में होगी उनके खाते में 6,000 रुपये प्रति माह देने का निश्चय किया है। 6,000 रुपये, 72,000 रुपये प्रति वर्ष देने का निश्चय किया है न्याय योजना।